हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम वोकेबलरी डिस्कस करेंगे और ये वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सभी बैंकिंग और सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। ये हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स हैं और यदि आप ये कोर वर्ड्स पूरे तैयार करना चाहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स, तो 2500 वर्ड्स की ई बुक आप हमसे ले सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इन ई बुक्स को आप ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। देखिए, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स हैं। बेडलम एक वर्ड है और काफ़ी बार ये बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। बेडलम ये एक नाउन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बेडलम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूज़न और डिसऑर्डर। ठीक है, कन्फ्यूज़न की जो स्थिति होती है, डिसऑर्डर की जो स्थिति होती है, शोरगुल यहाँ पर होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेडलम। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम देखिए, एक तो होगा कैओस, CHAOS। कैओस का मतलब ही डिसऑर्डर होता है। पेंडीमोनियम, ये वर्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये वर्ड मेरी ई बुक में भी आपको मिल जाएगा। टॉपसी टर्बीडोम, ये भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पेंडीमोनियम। ठीक है, पेंडीमोनियम का मतलब होगा कन्फ्यूज़न या डिसऑर्डर। और इसका एक सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ पर यूसेज दिया हुआ है। भंगड़ टू बेडलम हिट्स द स्टैंड्स, किसी बुक का नाम है ये। ऑथर दीपा रॉय चक्रवर्ती अर्जेज रीडर्स टू सेपरेट द पैरानॉर्मल फ्रॉम द सुपरस्टिशियस, ये किसी बुक के बारे में है। और बेडलम का अर्थ होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। देखिए, वर्ड्स को हम याद कैसे करें? वर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वर्ड्स को याद करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो याद करने के देखिए दो तीन तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि रिवीजन, एक रजिस्टर में इन सारे वर्ड्स को लिख लें और आप रिवाइज करते जाएं, निश्चित रूप से आपको ये वर्ड्स सारे याद हो जाएंगे। और एक होता है निमोनिक ट्रिक्स, लेकिन सारे वर्ड्स की निमोनिक ट्रिक क्रिएट नहीं हो सकती। काफ़ी सारे वर्ड्स की हो सकती है, लेकिन सभी वर्ड्स की निमोनिक ट्रिक क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। और बेडलम के एंटोनिम्स क्या होंगे? देखिए, नॉइज़ या कन्फ्यूज़न या डिसऑर्डर का जो एंटोनिम होगा वो होगा काम, कामनेस और हारमोनी। ठीक है, और एक वर्ड और है इसी से मिलता जुलता, ट्रैंक्यूलिटी, वो भी इसका एंटोनिम होगा। ट्रैंक्यूलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्यूलिटी। काम का अर्थ होता है शांति, कामनेस, शांति और हारमोनी, मतलब एक रूपता। ठीक है, तो बेडलम ये एक अच्छा वर्ड है और ये पूछा जा सकता है बैंकिंग और एसएससी एग्जाम में। इसका अर्थ होता है एक्सट्रीम कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। ठीक है, इन वर्ड्स को हम रिवाइज भी करेंगे इस वीडियो के एंड में, तो पूरा ध्यान से आप देखें सारे वर्ड्स को। अब देखिए, ये एक नेक्स्ट वर्ड है और ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। एसएससी एग्जाम में कम से कम 50ों बार ये वर्ड पूछा गया है, पेनूरियस। इस वर्ड को आप पैनी से लिंक करके याद कर सकते हैं। पैनी का मतलब होता है पैसा या सिक्का। पैनी लेस का अर्थ होता है जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जो पूरी तरीके से ब्रोक है, उसको हम बोलते हैं पैनी लेस। ठीक है, तो उसी से ये वर्ड बना है पेनूरियस, और ये एक एडजेक्टिव है पेनूरियस, और इसका मतलब क्या है? लैकिंग मनी, एक्सेसिव अनविलिंग टू स्पेंड। देखिए, इसका एक मतलब कंजूस भी होता है पेनूरियस का, एक्सेसिवली अनविलिंग टू स्पेंड, जो पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा जिसको दिक्कत होती है, एक्सेसिवली अनविलिंग है पैसे को खर्च करने में, उसको हम बोलते हैं पेनूरियस। नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे फॉर नेसेसिटीज़, नेसेसिटीज़ को पे करने में जो असमर्थ है या जिसकी इच्छा नहीं है पैसे को खर्च करने की, उसको भी हम पेनूरियस बोलते हैं। इन पेनूरी भी बोलते हैं हम, इन पेनूरी, ही इज़ इन पेनूरी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है पेनूरियस। इसको पेनी से आप लिंक करके इसको आप याद कर सकते हैं। पार्सीमोनियस, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंजूस, पार्सीमोनियस। स्टिंजी भी इसको हम बोलते हैं, स्टिंजी। हार्ड अप, जो पैसे से जो तंग है उसको हम बोलते हैं हार्ड अप। ठीक है, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस भी एक अच्छा वर्ड है और इसको आप अच्छे तरीके से आप याद कर लें, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। इन स्ट्रेटन्ड सरकमस्टेंसेस, ये एक इडियम है, इन स्ट्रेटन्ड सरकमस्टेंसेस, मतलब जो बहुत ही गरीब स्थिति में है। पेनी लेस तो एक सिंपल वर्ड है, पिंच भी इसके लिए एक वर्ड होता है। तो पेनूरियस एक काफ़ी कॉमन वर्ड है और इसके यूसेस हम देखते हैं। वॉरेन बफेट, फेमस मल्टी बिलियनियर, स्टिल ड्राइव्स अ चीप सेडान, नॉट बिकॉज ही इज पेनूरियस बट बिकॉज लग्जरी कार्स आर गॉडी एंड इम्प्रैक्टिकल। मतलब वॉरेन बफेट जो है, जो बहुत ही पैसे वाला एक मल्टीबिलियनर व्यक्ति है, वो एक चीप सेडान को चलाता है, इसलिए नहीं कि वो पेन्यूरियस है, बल्कि इसलिए कि जो महंगी कारें होती हैं वो गॉडी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
शो ऑफ करने वाली होती हैं और इम्पैक्टिकल होती हैं, ठीक है। तो पेनूरियस का मतलब होता है लैकिंग मनी, पेनूरियस। और इसके एंटोनिम देखते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला होता है, प्रोफ्यूज होता है। और इसके लिए एक वर्ड और है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का एक्चुअली हॉस्पिटल से कोई संबंध नहीं है। हॉस्पिटेबल का अर्थ होता है जो जो मेहमान नवाजी में एक्सपर्ट होता है, जो मेहमान नवाजी करना जिसको अच्छा लगता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटेबल, ठीक है। प्रोफ्यूज और एक्स्ट्रा वेगेंट ये सिमिलर वर्ड हैं, तो ये है इसके एंटोनिम। पेन्यूरियस का अर्थ होता है लैकिंग मनी या कंजूस। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? इम्बाइब का मतलब है किसी चीज़ को अपने अंदर उतार लेना, पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसको हम बोलते हैं इम्बाइब। तो फिजिकल सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, और मेटाफोरिकल सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अपने अंदर पूरे तरीके से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेना या आत्मसात कर लेना, ठीक है। टू ड्रिंक और एब्जॉर्ब एज इफ ड्रिंकिंग, टेक इन ऑल्सो मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली का मतलब है कि इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल सेंस में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपने पानी पिया और पूरा आपके अंदर चला गया, दैट इज़ कॉल्ड इम्बाइब। और किसी चीज़ को पूरा आपने समझ लिया, पूरा उसको निचोड़ के पी लिया, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्बाइब। तो मेटाफोरिकली भी इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, एब्जॉर्ब, ड्रॉ, सोकअप, सॉपअप, सक, चूस लेना किसी चीज़ को, सकअप, टेक इन, टेकअप, तो ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। और यहाँ पर एक इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, प्लेटो इम्बाइब्ड सॉक्रेट्स टीचिंग, मतलब प्लेटो के जो गुरु थे सॉक्रेट्स, जिनको सुकरात भी बोलते हैं, उनकी टीचिंग को उन्होंने पूरी तरीके से इम्बाइब कर लिया, पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया, टू सच एन एक्सटेंट दैट ही वॉज एबल टू राइट वॉल्यूम्स ऑफ वर्क दैट ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड समटाइम्स वर्ड फॉर वर्ड टू सॉक्रेट्स। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है शब्दशः, ठीक है, वर्ड बाई वर्ड नहीं बोलते, वर्ड फॉर वर्ड बोलते हैं। तो इस फ्रेज़ को भी आप याद रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको, सारे वर्ड्स को आपको इम्बाइब करना है, तभी आप इन वर्ड्स को आप याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और यदि आप हमारा ऑनलाइन ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए या आईबीपीएस पीओ के लिए, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिए हैं, कोई भी क्वेरी है तो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, पॉन्डरस। देखिए वैसे तो पॉन्डरस का मतलब होता है जो भारी है, ठीक है, वजन में जो भारी है, लेकिन पॉन्डरस का सही मीनिंग ये होता है कि वजन की वजह से कोई व्यक्ति थोड़ा सा कम्बरसम है, या थोड़ा सा जिसको चलने में दिक्कत हो रही है, या थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है, उसको हम बोलते हैं पॉन्डरस। हैविंग ग्रेट मास और वेट और अनविल्डीनेस, ठीक है, ये होता है पॉन्डरस। अब देखिए हैवी, लंबरिंग, ये इसके सिनोनिम हैं। लंबरिंग एक अच्छा वर्ड है, ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। लेडन विद 20 किलोग्राम्स ऑफ कॉलेज टेक्स्ट बुक द फ्रेशमैन मूव्ड पॉन्डरसली अक्रॉस द कैंपस, मतलब एक फ्रेश व्यक्ति था जो फर्स्ट ईयर में आया था, उसके पीछे 20 किलो की जो टेक्स्ट बुक हैं वो लदी हुई थी, और उस वजह से उसकी जो चाल थी वो पॉन्डरस थी, या ही वॉज वॉकिंग पॉन्डरसली, मतलब ही वॉज वॉकिंग ऑकवर्डली। तो पॉन्डरसली का मतलब हुआ कि वजन की वजह से उसकी जो चाल थी वो ऑकवर्ड थी, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है पॉन्डरस का। और इसके एंटोनिम्स देखते हैं, इसके एंटोनिम होंगे अड्रॉइट और ग्रेसफुल और हैंडी। हैंडी का मतलब एकदम यूजफुल भी होता है, हैंडी का मतलब ग्रेसफुल, और एड्रॉइट इसके एंटोनिम्स होंगे। एड्रॉइट मतलब जो स्किलफुल है, जो जो ऑकवर्ड नहीं है, जो कोई भी काम करते समय एकदम अच्छे तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से किसी काम को करता है, दैट इज़ कॉल्ड एड्रॉइट। और ग्रेसफुल और हैंडी भी इसके एंटोनिम्स होंगे। डायट्राइब का क्या मतलब है? डायट्राइब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इस समय। डायट्राइब का अर्थ है स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक अगेंस्ट ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति के खिलाफ शाब्दिक आलोचना करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। जैसे आप यहाँ पर सिनोनिम्स देख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जैसे फल्मिनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फल्मिनेशन मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, रिव्यूक मतलब डांटना, रेमोन्स्ट्रेट प्रतिरोध करना, रेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, रेप्रीमांड का मतलब भी डांटना, रिप्रूफ भी मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड, टेक टू टास्क, ठीक है। और इसमें एक्चुअली फल्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फल्मिनेशन का मतलब होता है
स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, मतलब जब हम डांटते हैं किसी को, भला बुरा कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायट्राइब या फल्मिनेशन, फल्मिनेशन। और विट्यूपीरेट, ये वर्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अपनी ई बुक्स में भी मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है, विट्यूपीरेट। और ट्राउंस, ट्राउंस का अर्थ भी विट्यूपीरेट होता है, आलोचना करना, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, आसानी से ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और ये है इसके सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, स्टीप्स मॉम लॉन्च्ड इनटू ए डायट्राइब ड्यूरिंग द पीटीए मीटिंग कंटेंडिंग दैट द स्कूल वाज लिटिल मोर देन अ डे केयर इन विच स्टूडेंट्स स्टेयर एट द वॉल एंड टीचर्स स्टेयर एट द चॉकबोर्ड। मतलब स्कूल की टाइमिंग के बारे में इसमें बात हो रही है, और उसकी मॉम शिकायत कर रही है कि स्कूल की जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, डायट्राइब इसको हम बोलेंगे। और इसके एंटोनिम क्या होंगे, इसके एंटोनिम होंगे कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, रेकमेंड करना, तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। टर्पीट्यूड, इस वर्ड को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टर्पीट्यूड। देखिए टर्पीट्यूड और करप्ट, करप्ट में भी पीटी है और टर्पीट्यूड में भी पीटी है, तो इस तरीके से इसको टर्पीट्यूड वर्ड को आप याद कर सकते हैं। अ करप्ट और डिप्रेव्ड और डिजनरेट एक्ट और प्रैक्टिस, अ करप्ट प्रैक्टिस उसको हम बोलते हैं टर्पीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए सिनोनिम, डिप्रेविटी, करप्शन, डिजनरेशन, डिप्रेवेशन, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्यूट्रीफैक्शन। टर्पीट्यूड मतलब प्यूट्रीफैक्शन यानी करप्शन। ड्यूरिंग हिज रेन कालीगुला इंडल्ज इन अनस्पीकेबल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज टर्पीट्यूड, ठीक है। इमोरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके लिए भी हम टर्पीट्यूड वर्ड का यूज़ करते हैं, करप्ट और डिप्रेव्ड और डिजनरेट प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। चलिए सेवेंथ वर्ड देखते हैं, लेकिन इसका एंटोनिम हम देखते हैं, इसका एंटोनिम होगा डिसेंसी और मोरेलिटी। क्विड प्रो क्यू, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है कि किसी चीज़ के बदले में कुछ और चीज़ देना, समथिंग फॉर समथिंग दैट विच अ पार्टी रिसीव्स और इज प्रोमिस्ड इन रिटर्न फॉर समथिंग ही डज और गिव्स और प्रोमिसेस। तो इसको आप याद रखें, क्विड प्रो क्विड, क्विड प्रो क्यू, ठीक है, सिनोनिम होगा इसका क्विड। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख सकते हैं, राजीव गांधी अलाउड भोपाल गैस ट्रेजेडी अक्यूज्ड वॉरेन एंडरसन द फॉर्मर यूनियन कार्बाइड चीफ टू लीव द कंट्री एज ए क्विड प्रो क्यू फॉर द रिलीज ऑफ द सन ऑफ ए फैमिली फ्रेंड आदिल सेरियार। तो उन्होंने उसके फैमिली फ्रेंड को रिलीज़ कर दिया और उन्होंने उसको कंट्री से बाहर जाने दिया, राजीव गांधी ने। तो क्विड प्रो क्यू का मतलब है किसी एक चीज़ के अगेंस्ट कोई दूसरी चीज़ देना। बाइजेंटाइन भी पढ़ सकते हैं इसको और बिजेंटाइन भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स, कोई चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है या इंटेंगल्ड है या नॉटी है, उसको हम बोलेंगे बाइजेंटाइन। कन्वोल्यूटेड, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कन्वोल्यूटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड। इन्वॉल्व, नॉटी मतलब जिसमें गांठें हैं। टेंगल्ड मतलब जो उलझा हुआ है। और टॉर्चुअस मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड है, टॉर्चुअस। तो तीन चार वर्ड इसमें से एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वर्ड बैंकिंग में भी पूछे जा सकते हैं। गेटिंग ए ड्राइवर्स लाइसेंस इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ टेकिंग अ टेस्ट, द रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स आर सो बाइजेंटाइन दैट मैनी हैव फाउंड देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये बिल्कुल सही है कि लाइसेंस बनवाना काफ़ी सरल काम नहीं है, इट्स वेरी बाइजेंटाइन वर्क, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क। सो बाइजेंटाइन और बिजेंटाइन मीन समथिंग दैट इज़ वेरी इंट्रिकेट और समथिंग दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। एक्सपंज का क्या मतलब है, एक्सपंज को आप स्पंज से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। स्पंज से हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में एक स्पंज का टुकड़ा है, उसको पानी में भिगो के हम किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए एक्सपंज का अर्थ होता है रिमूव, टू एलिमिनेट कम्प्लीटली, रिमूव वाय इरेजिंग और क्रॉसिंग आउट एज इफ वाय ड्रॉइंग अ लाइन। तो एक्सपंज का मतलब किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है तो उसको मिटा देना या ऐसे काट देना किसी भी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं एक्सपंज। इसके सिनोनिम क्या होंगे, सिनोनिम होंगे इसके एक्साइज, स्क्रैच, स्ट्राइक। व्हेन आई टर्न 18 ऑल ऑफ द शॉप लिफ्टिंग एंड जे वॉकिंग चार्जेस
वर एक्सपंज फ्रॉम माई क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, और इसके एंटोनिम क्या होंगे, इसके एंटोनिम होंगे ऐड, क्रिएट और इस्टेब्लिश। किसी चीज़ को यदि आप रिमूव नहीं करते हैं तो उसको आप ऐड करते हैं, तो ऐड, क्रिएट और इस्टेब्लिश ये होंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए एनाथीमा, ये भी एक अच्छा वर्ड है, और इसका सिंपल सा मतलब होता है कर्स, किसी व्यक्ति को अभिशाप देना, या ए डिटेस्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो जिससे सारे लोग डिसलाइक करते हैं, जिसको नफरत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनाथीमा। ये एक नाउन है, द सोर्स ऑफ समबडीज हेट, अ फॉर्मर कर्स एकम्पनीड बाय एक्सकम्युनिकेशन। एक्सकम्युनिकेशन मतलब किसी को सोसाइटी से बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एक्सकम्युनिकेशन। कंडेमनेशन, कर्स, एक्सीक्रेशन मतलब कंडेमनेशन, एक्सीक्रेशन। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो गैलीलियो वॉज एनाथीमा टू द चर्च। बिल्कुल सही बात है, ये गैलीलियो जो थे वो एनाथीमा थे, डिटेस्टेड पर्सन थे, और टुडे द चर्च इज एनाथीमा टू सम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। बिल्कुल ये सही है, एनाथीमा का मतलब है डिटेस्टेड पर्सन या कर्स। ठीक है, तो ये वर्ड हमने डिस्कस किए हैं आज। एनाथीमा का मतलब होता है कर्स, एक्सपंज का अर्थ होता है रिमूव करना, बाइजेंटाइन का इंट्रिकेट होता है, क्यूड प्रो क्यू का मतलब किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ वापस करना, टर्पीट्यूड मतलब करप्शन, और डायट्राइब का होता है स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, पोंडरस का मतलब ऑकवर्ड, भारी। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्बाइब का मतलब एब्जॉर्ब करना होता है, पेनूरियस मतलब पेनीलेस, और बेडलम का अर्थ होता है कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो ये वर्ड हमने इस वीडियो क्लास में सीखे हैं, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का टॉप क्लास कंटेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारी ई बुक्स भी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।